सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कि सुप्रिया क्यों मीडिया पे भड़की, इस वीडियो को देख के जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। ये सरकार दो तरीके से चलती है, एक चरण चुंबक मीडिया को नए नए शगुफे दिया करो। मीडिया को चरण चुंबक कहते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार की अफवाहों के आधार पर देश को मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। फिर लोगों को भेज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवधान डाले। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस हो गई, पत्रकारों को बुरा लग गया कि सुप्रिया श्रीनेत ने आखिरकार मुंह पर चरण चुंबक कैसे बोल दिया। और तीसरा चलता है शगुफे छोड़ते रहो, एक के बाद एक हॉट एयर बलून गुब्बारे छोड़ते रहो, लोग उसी में बझे रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे। कौन आपसे सवाल पूछ रहा है? यूसीसी एक हॉट एयर बलून, वन नेशन वन इलेक्शन एक हॉट एयर बलून, इंडिया भारत एक हॉट एयर बलून, 2019 में सीए आया था, आज तक नियम नोटिफाई नहीं हुए, वो एक हॉट एयर बलून। तो दिक्कत की बात यह है कि सरकार इन्हीं सब शगुफों से, अब ये शगुफा है डीजल व्हीकल पर टैक्स लगेगा, अब इस पर होंगे डिबेट, फिर कह दिया जाएगा नहीं नहीं हम तो कुछ ऐसी बात कर रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत के चरण चुंबक कहने पर एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप ऐसे कैसे पत्रकारों का अपमान कर सकती हैं? मैम, ये चरण चुंबक मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से? सुप्रिया श्रीनेत ने भी जवाब देते हुए कहा कि जो पत्रकार पीएमओ के इशारे पर काम करते हैं उनके लिए मेरी नजर में जरा सी भी इज्जत नहीं है। पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महा घोटाले पर, चलते हुए मणिपुर पर, 2023 में दो नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि पीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत के जवाब के बाद पत्रकार की बोलती बंद हो गई। क्या पत्रकारों के सामने सुप्रिया श्रीनेत को इस तरह मीडिया को बेइज्जत करना चाहिए था, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार इसी तरह के रिस्पॉन्स के हकदार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सुप्रिया मैम ने क्या बात कही पत्रकारों को, उनको उनका चेहरा दिखा दिया है कि मतलब क्या करते हो लोग, जानबूझ के काम करते जिस लोगों का ध्यान बढ़ते और लोग सही जगह पे ध्यान ना दे पाए। बहुत ही अच्छे तरीके से सुना है, बहुत ही अच्छा रोस्ट किया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वीडियो। आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।